हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पनीर के पॉपकॉर्न। पनीर के पॉपकॉर्न बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आइए, उसके लिए हमें चाहिए, ये हमने लिया है 50 ग्राम पनीर और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक घोल बनाएंगे। तो घोल के लिए हम लेंगे एक बाउल और बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। आप मैदे की जगह पे कॉर्नफ्लावर, अला रोट या चावल का आटा कुछ भी ले सकते हैं। तो बस इसमें जाएगी ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं थोड़ी, टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हल्का सा नमक जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला और इसका हम एक घोल बना के रेडी करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे इसमें। आप इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। तो मैं इसे सिंपल बना रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करूँगी और एक पतला घोल बना के इसका रेडी करेंगे। पानी थोड़ा ही थोड़ा डालें और इसे लम्ब से सारे फोड़ लें इस तरह से, ये देखिए। और थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे इस तरह से। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया, हाफ चम्मच धनिया डालेंगे, पिसा हुआ धनिया। और बस इसे 1 मिनट इसे इस तरह से रहने देंगे। उसके बाद हम, जब तक हम अपनी कढ़ाई रखते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हमने गैस पर ऑयल रख दिया है गर्म होने। अब हम इसमें ही जब तक क्यूज डाल देंगे ये सारे। आप इसे छोटा बड़ा भी कट कर सकते हैं और बस इसे इस तरह से सारी कोटिंग हम इसमें कर लेंगे इस तरह से। और मैंने लिया है ये ब्रेड क्रम्स, तो इसे मिक्सी के जार में 3 से 4 स्लाइस मैंने मिक्सी के जार में डाल के इसका क्रम्स बना लिया था। तो बस मैं इसमें इस तरह से एक उठाऊंगी और इसमें इस तरह से इसकी कोटिंग करती जाऊंगी, अच्छे से कोटिंग करूंगी। ये देखिए, और इसमें डुबाऊंगी इसकी अच्छे से, सारे इसमें पनीर की क्यूज़ में अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए, उतनी ही ज़्यादा ये क्रंची बनेगी। तो आप इसे इस तरह से नाश्ते को ज़रूर बनाएं, मेरी वीडियो पे जुड़े रहें लास्ट तक। इस तरह से बस सारे हम अपने इसे उठा के एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे और ऐसे ही हम अपने सारे क्रम्स में कोटिंग करते जाएंगे, ब्रेड क्रम्स में इस तरह से। हमने सारे पनीर के टुकड़े इसमें कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स में, ये देखिए। अब इसे आइए फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बस हम इसमें एक एक करके इसमें ये डालेंगे। फ्लेम को स्लो ही रहने दें, नहीं तो ये थोड़े डार्क हो जाएंगे, हमें धीरे धीरे से इसमें सिकने देंगे। बस एक बार में जितने आप कंफर्टेबल समझें, आप जिस हिसाब से इसे सेक सकें उतने ही डालें। और बस इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से ब्राउन कलर आने तक, क्रंची होने तक आप इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट में हमारे ये सिक के तैयार हो चुके हैं। तो बस हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना, बड़ा प्यारा और क्रंची बन के तैयार हुए हैं, सुनहरा सा कलर आ गया। तो इसे से निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरह से हम दूसरी बैच वाले भी सारे सेक के तैयार करते हैं जो हमारे पास बचे हुए हैं। तो वो भी डाल देते हैं हम इस तरह से। और बस इसे भी सिकने देते हैं। जब तक हमारे और पॉपकॉर्न सेक के रेडी हो रहे हैं, तब तक हम इसके साथ, इसका बढ़िया टेस्ट लाने के लिए हम इसके साथ चाय बनाएंगे। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ किसी
किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चाय के साथ खाना पसंद करूंगी। और चाय का टाइम हो रहा है तो बस मैं इसे चाय बनाने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न के साथ मसाला चाय। तो मसाला चाय के लिए हमने लिया है ये कुछ मसाले। ये लिया है जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच, 4 से 5 है ये काली मिर्च जिसका मैंने पाउडर बना लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का, 3 लौंग है, 2 से 3 टूटी हुई इलायची है, और ये 3 से 4 ये तुलसी के पत्ते हैं, और ये है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर चाय में आता है। तो मैं आज इतने मसाले डाल के बढ़िया मसाला चाय बना के रेडी करूँगी। जब तक हमारे पॉपकॉर्न रेडी होते हैं तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी। गैस पर रखेंगे एक पैन, अब उसमें डालेंगे हम एक छोटा कप पानी। तो बस मैं इसे 2 कप चाय बना रही हूँ तो मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे इसमें बॉयल अच्छे से थोड़ी देर मसालों को बॉयल होने देना है। तो बस इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच ये चाय की पत्ती डालेंगे इसमें सबसे पहले, और इसमें जाएगा ये जिंजर पाउडर डालेंगे। आप जिंजर पाउडर की जगह पे अदरक भी क्रश करके डाल सकते हैं, और काली मिर्च, और इसमें इलायची जाएगी, ये दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, और 2 से 3 ये लौंग जाएंगी, और मैं इसमें डाल दूंगी ये लेमन ग्रास इसके अंदर इस तरह से, और बस ये तुलसी के पत्ते जो मैं इसे तोड़ के, मैंने पहले ही लेमन ग्रास और तुलसी के पत्ते अच्छे से धो लिए थे। तो आप इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि बरसात का टाइम है, इसे जब भी तोड़ के लाएं पहले धो लें, और बस मैं इसमें इसे डाल दूंगी, और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉयल होने देती हूँ जिसका इसका सारा फ्लेवर हमारी चाय में आ जाए, और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। चाय हमारी अच्छे से बॉयल हो रही है और 1 मिनट इसे हो गया है बॉयल होते होते। तो बस इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी आप इसी इस टाइम डालें जब चाय उबलने लगे, इससे चाय में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप मीठा पसंद करें चाय में। और बस इसे हम मेल्ट होने देते हैं चीनी को थोड़ी देर। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। बस तो अब हम इसमें डाल देंगे ये दूध और इसे बॉयल होने देते हैं फिर से 1 मिनट। ये देखिए चाय में बॉयल आ चुका है, कितनी अच्छी हमारी चाय, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे पूरे किचन में इसकी अच्छी सी खुशबू है, और खुशबू शायद बाहर तक भी पहुंच गई है चाय की। ये मसाला चाय बहुत ही टेस्टी और खुशबू वाली और फायदेमंद चाय बन के रेडी होती है। तो आप इसे इस टाइम जरूर बनाएं, और इस तरह से बनाएं जरूर एक बार आप इसे मसाला चाय को, क्योंकि आप जब तक बनाओगे नहीं ये आपको पता नहीं चलेगी कि ये कितनी टेस्टी चाय बनी है। तो बस इसे हम इस तरह से 2 एक बार चला देते हैं चम्मच से, इससे अच्छा सा फ्लेवर सारी चीज़ों का चाय में हमारी में आ जाए, और चाय हमारी बन के रेडी है। अब इसे ज़्यादा नहीं उबालूंगी, बस गैस को करते हैं बंद और इसे छान लेते हैं 1 कप में। बस इसे निकाल लेते हैं इस तरह से, ये देखिए, और चाय हमारी बन के रेडी है। गर्मा गर्म चाय के साथ पनीर के पॉपकॉर्न जो स्वाद में बहुत ही ज़्यादा आपका बढ़ा देंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए बहुत ही क्रंची और टेस्टी पॉपकॉर्न बन के रेडी हुए हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ, जो मैंने ये सॉस रख तो लिया है लेकिन मैं इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, और मैं तो इसे चाय के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। बहुत ही क्रंची इस तरह से बने हैं, और सॉस को मैं हटा दूँगी क्योंकि मुझे सॉस इसके साथ नहीं चाहिए। आप चाहें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेंगे, लेकिन मैं इसे चाय के साथ ही खाऊंगी। और आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट पनीर और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें,
और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी ये पनीर के पॉपकॉर्न आपको कैसे लगे, और मसाला चाय आपको किस तरह से आपको बनानी है, आप बना के पी के फिर मुझे बताएं कि आपको मेरी मसाला चाय की रेसिपी कैसी लगी। और आप बनाइए, खाइए और पिलाइए, चाय ज़रूर बनाइए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि पॉपकॉर्न और मसाला चाय की आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ हर बार मैं आपसे कहती हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू।